Hello children, welcome in today's class and welcome in my house. Let's come in my house. Today I will show you some objects which are in my house, and I know these objects are also in your house. So come and see. Door. This is door. Door. Door means darwaza. Yes, this is door. Yes, now we are in the room, and here is table. This is a table. This is a table. यह एक टेबल है. और देखिए यहाँ पे क्या है. This is a book. This is a book. This is a pencil. This is a pen. This is a mask. This is a copy. And here is sofa. So say with me. This is a sofa. This is a sofa. Okay. Look children, cup. This is a cup. Glass. This is a glass. This is a glass. Children, now tell me. मैंने जो भी चीज़ें बताई आपको, जो चीज़ें मैंने दिखाई, मैंने क्या किया, मैंने उनको टच किया और आपको बताया, है ना. दिस इज अ बुक, दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ कप, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मास्क, दिस इज अ कॉपी, दिस इज अ डोर, दिस इज अ सोफा, इजंट इट. तो मैंने कैसे टच किया, अपने हाथों से, क्योंकि ये सभी चीजें क्या है, मेरे पास है. दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नियर विथ मी, और मैं इनको टच कर सकती हूँ. आई कैन टच एवरीथिंग, है ना. मैं इन सभी को टच करके इनके बारे में बता सकती हूँ. तो मैंने क्या बोला इनके लिए, मैंने यूज किया दिस इज अ टेबल. This is a cup. This is a copy. This is a mask. This is a pen. This is a pencil. This is a glass. This is a book. तो बच्चे, जब हम लोग चीज़ों को टच कर सकते हैं और चीज़ें हमारे पास में है, है ना, चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम लोग उनको टच कर पाएंगे. तो वैसी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं और जो हमारे पास में है और एक ही है, है ना. सभी चीज़ें देखी कितनी है, नंबर में एक है, है ना. एक कप है, एक बुक है, एक मास्क है. वन पेन इज देयर, वन पेंसिल इज देयर, वन ग्लास इज देयर, वन बुक इज देयर, वन टेबल इज देयर, वन सोफा इज देयर. ओके, एवरीथिंग वन. तो हम लोग एक चीज़ को लिए, एक चीज़ के लिए जो हमारे पास है और जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस इज. क्या यूज़ करते हैं, दिस इज. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू मेक सेंटेंसेस टू यूज दिस. ओके, और दिस के फ्रेंड कौन होते हैं, इज और अ, है ना. दिस इज अ कप, दिस इज अ मास्क, दिस इज अ पेन, है ना. सबके साथ कौन आ रहा है, दिस के साथ इज और अ. तो चलिए अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ आपकी कॉपी में, जिन्हें हम लोग सीखेंगे भी और लिखेंगे भी. ओके चिल्ड्रेन, लेट्स डू सम प्रैक्टिस इन आवर कॉपी. लेट्स लर्न द यूज ऑफ दिस. ओके, विद द पिक्चर्स. टी एच आई एस, दिस. टी एच आई एस, दिस. दिस मीन्स यह, यह, यह. दिस वी यूज फॉर
one object which is near with us, और जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे one one object draw किए गए हैं और ये सभी object हमारे पास में है ना। सेंटेंस बाद में है, पिक्चर पहले है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस, यस, जैसे अभी हमने देखा हमारे हाउस में। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ बुक एंड इट इज नियर विथ अस, ये हमारे पास है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी कैन से बाय यूजिंग दिस, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दिस, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, है ना। दिस के पक्के दोस्त कौन है, इज और अ, ठीक है। दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। कप, दिस इज अ कप, यह एक कप है, इज मीन्स है। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है, टेबल इज नियर विथ अस। चेयर, चेयर इज ऑल्सो नियर विथ अस, सो वी कैन से दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। हियर इज अ लीफ एंड लीफ इज नियर विथ अस, ये हमारे पास है, जिसे हम लोग छू सकते हैं। सो वी कैन से बाय यूजिंग दिस, दिस इज अ लीफ, यह एक पत्ता है। तो आज आप भी अपने घर में घूमिए और चीजों को टच करिए और दिस का यूज करके सेंटेंस बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ स्केच पेन, दिस इज अ स्पून, दिस इज अ ग्लास, एनीथिंग, ओके। देन यू राइट ऑल दीज सेंटेंसेस इन ब्यूटीफुल राइटिंग इन योर इंग्लिश कॉपी।